बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में लापता जवान के तलाश में जेल बंदी रिहाई समिति जगरगुंडा रवाना। नक्सलियों के कब्जे में होने की सूचना के बाद सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। समिति के साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद है। राकेश्वर सिंह की रिहाई को लेकर नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थों के नाम उजागर करने पर पर्चे डाले हैं। एक जवान जो नक्सल की कस्टडी में उनके कब्जे में है, उसके लिए अपील करने के लिए एक लेटर तो मैं पहले जारी कर चुके हैं जेल बंद रिहाई कमेटी की तरफ से। तो अभी उसी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं कि घटनास्थल को देखते हुए, मतलब वो जवान किस ओर ले गए, क्या है, क्या स्थिति है, इसके लिए जा रहे हैं। नक्सली मध्यस्थों के नाम के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो आप क्या मध्यस्थता करने को तैयार हैं? देखिए, सरकार और माओवादी के बीच के लिए मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सरकार कब वो टीम बनाएगी, कब मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ेगी, और तब तक के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। जो हमको जो कर सकते हैं अपने तरफ से प्रयास हुआ, हम जरूर करेंगे। और इसलिए मैं बात करी, जबकि 22 जवान जो शहीद हुए हैं उस समय जब मुख्यमंत्री जी आए, अमित जी आए, और उनके बाद ये कहा कि चले गए कि नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, उनकी खून ऐसी नहीं बहने देंगे, लेकिन उस जवान के बारे में क्या करके गए? हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक जिला बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो, और क्या आपकी मांग है वो बोलो, ये बोलना चाहिए। सरकार कुछ तरह से नहीं दिखता है, और वो सरकार कब करेगी कब नहीं, तब तक उस जवान का क्या होगा? इसलिए जवान को सुरक्षित के लिए, और मैं इसी है कि नहीं होती वो मैं नहीं जानती, अगर हो सकता है नक्सलवाद भी उससे संतुष्ट होते हैं, नहीं होते इसका कोई गारंटी नहीं, पर हमारा जवान सुरक्षित और सलामत रहे, और सलामत इतने वो करके उनको रिहा किया जाए, बस मैं इसके लिए जा रही हूँ।